आज हम देश का विश्व का सबसे बड़ा नेता जो हमारी भारत की धरती से आते हैं और हमारे लिए गर्व की बात है। आज पूरे विश्व में जिनका डंका बज रहा है, आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका प्रधानमंत्री, उसका राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और कई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरा देश देख रहा है जो लोग जिनकी करनी और कथनी में फर्क था, जो लोग शिक्षा लेकर आए थे, मॉडल लेके देश में, विश्व के इतिहास में पहली बार होगा जो शिक्षा मंत्री था वही शराब मंत्री था, जिसने किताबें देने की बात करी थी कि अच्छी किताबें दूंगा लोगों को, पर शराब की बोतलें पकड़ा दी। इससे भ्रष्ट और इससे करप्ट कोई देश में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था और अभी केजरीवाल का नंबर है और ये कहीं ना कहीं इनके पेट पर दर्द है। ये भ्रष्टाचार की जननी है। जो लोग बात कर रहे आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, आज सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। 45 करोड़ के शीश महल से लेकर कोरोना काल में जो अपने घरों में शीश महल बनाकर 15 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाकर लोग जनता तराई माम बचाता, एक एक दवाई के लिए लोग वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे। हमारे साथ जो है रविंदर नेगी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं। 2:30 बजे सर माहौल देख रहे हैं हम रात में, यहाँ तो सबके चेहरे खिलखिलाते हुए और पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है। भाई क्यों ना खिलखिलाएं चेहरे। आज हम देश का विश्व का सबसे बड़ा नेता जो हमारी भारत की धरती से आते हैं और हमारे लिए गर्व की बात है। आज पूरे विश्व में जिनका डंका बज रहा है, आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका प्रधानमंत्री, उसका राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और कई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। ये गर्व की बात है कि वो भारत की धरती से आते हैं। आज सैकड़ों कार्यकर्ता और हजारों करोड़ों जनता आज बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही है कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है। वहां पर कहा जाता है पीएम मोदी इज द बॉस और पूरा जो माहौल है वहां पर तालियों से गूंज उठता है। जो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री है वो यहां पर एंथनी अल्बनीज, वो कहते हैं कि आज तक हमने ऐसा देखा नहीं यहां पर किसी का स्वागत हुआ हो जैसे नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। भाई नरेंद्र मोदी जी, मैंने फिर कहा विश्वविख्यात नेता हैं और जिस धरती में वो जाते हैं वहाँ उनका वेलकम होता है। आपने सिडनी में देखा होगा, सिडनी में स्टेडियम छोटा पड़ गया और दर्शक ज़्यादा थे और आज पूरे विश्व पटल में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में कोई देश है तो भारत है और जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये हमारा सौभाग्य है। ऑस्ट्रेलिया से पहले वो पपुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, वहाँ पर उनको अलग अलग सम्मान मिले। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी उनको दिया गया, द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहु जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है वो यहाँ पर पीएम मोदी को मिलता है। तो एक भारतीय होने के नाते कह सकते हैं क्योंकि पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो पपुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। ये हमें गर्व होता है और ये जो पुरस्कार मिला कोई एक दिन में नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। 9 साल में जो ऐतिहासिक काम किए विश्व पटल में, जो देश को स्थापित करा, जो देश की अर्थव्यवस्था आज 4th नंबर में आती है वर्ल्ड में, आज ऐसे ऐतिहासिक काम किए, उस कामों की बदौलत आज दूसरे देश के लोग उन्हें अपने अपनी कंट्री का सर्वोच्च पद दे रहे हैं, सर्वोच्च इनाम दे रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व है बहुत। अमेरिका जो लगातार अपने आप को सुपर पावर बताता रहा, वो जब जापान में G7 समिट होती है वहीं पर क्वाड मीटिंग को करना पड़ता है, वहां पर आकर के कहते हैं कि मुझे तो पीएम मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए, जो बाइडेन क्या कहेंगे? भाई ये तो मैंने फिर कहा, ये हमारा हम पे गर्व, ये गर्व की बात है कि जो सबसे शक्तिशाली पावरफुल देश है अमेरिका, उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। इस हर भारतीय को, 140 करोड़ देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे पास जिसके ऑटोग्राफ लेने के लिए विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधान राष्ट्रपति वो कह रहा है। पटपटगंज क्षेत्र से आप आते हैं, विधानसभा चुनाव आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़े थे, एक तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा माहौल जो है तिरंगा ही तिरंगा हर जगह दिख रहा है, रात को इतने लोग दिख रहे हैं और बाकी भी दुनिया के जो देश हैं वो पीएम मोदी का सम्मान कर रहे हैं, उनके बारे में जो बात कर रहे हैं, हर भारतीय को जो है गर्व करना चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया वो भी आपके सामने चुनाव लड़े थे शराब घोटाले में, हालांकि तिहाड़ जेल में, लेकिन वहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इनको जो है चौथी पास राजा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, देश जो है गलत हाथों में है। भाई ये पूरा देश देख रहा है जो जो लोग जिनकी करनी और कथनी में फ़र्क था, जो लोग शिक्षा लेकर आए थे, मॉडल लेके देश में, विश्व के इतिहास में पहली बार होगा जो शिक्षा मंत्री था वही शराब मंत्री था, जिसने किताबें देने की बात करी थी कि अच्छी किताबें दूंगा लोगों को, पर शराब की बोतलें पकड़ा दी। इससे भ्रष्ट और इससे करप्ट कोई देश में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था और अभी केजरीवाल का नंबर है। और जो बार बार अनपढ़ वाली बात करते हैं, इनसे पूछा जाए कि देश में जो विकास हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, रातों रात दिन राजमार्ग बन रहे हैं, आज चौमुखी विकास हो रहा, पूरे विश्व के देश एक एक टुकटुकी लगाकर भारत की तरफ निगाह लगाते हैं, जब कहीं आपातकाल होता है, कहीं बाढ़ आती है तो मदद, सबसे पहले मदद
भारत से मांगी जाती है। यूक्रेन में लड़ाई होती है, भारत से मदद मांगी जाती है। रूस में लड़ाई होती है, भारत से मदद मांगी जाती है। ये भारत है, ये 9 साल का भारत है जो मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। और ये कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। जो लोग बात कर रहे आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, आज सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। 45 करोड़ के शीश महल से लेकर कोरोना काल में जो अपने घरों में शीश महल बनाकर 15 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाकर लोग जनता तराई माम बचाता, एक एक दवाई के लिए लोग वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे, लोग हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। पर ये नकली प्रधान सेवक जो दिल्ली का अपने आप को बोलता था, जो कहता था मैं दिल्ली का बेटा, जो बोलता था मैं दिल्ली का मालिक हूं, तो आज जनता ने उसके हाल देखे। आज उप मुख्यमंत्री जेल के सलाखों में है और जेल से आने का कोई अभी मेरे को लगता नहीं कोई समय होगा। तरफ पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो है हम भी एमसीडी का जो चुनाव चल रहा था वहां पर बने हुए थे। आप क्योंकि खुद जो है नगर निगम से पार्षद चुन करके आते हैं, स्थायी समिति को लेकर के बहुत लंबा संघर्ष चला, जो उस दिन भी वहां पर वोटिंग हुई, उसके बाद जो तीन तीन बीजेपी का कहा जा रहा था, फिर शैली ओबराय जो आम आदमी पार्टी की मेयर हैं उन्होंने कह दिया नहीं दोबारा से जो है वोटिंग होगी, उसको लेकर बीजेपी की कमलजीत शेरावत शिखा राय कोर्ट में पहुंची और अब हाई कोर्ट ने जो है शैली ओबराय के उस ऑर्डर को जो है खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक कर रहे थे काम, और ये बिल्कुल अपनी मेयर पद का दुरुपयोग कर रहे थे। और साफ साफ कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार इन्होंने दुरुपयोग करा, तानाशाही चलाई, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा, स्पष्ट शब्दों में हाई कोर्ट ने बताया। और दिल्ली के उन सैकड़ों लाखों लोगों की जीत हुई, और जो लोग ये जबरदस्ती थोप रहे थे दिल्ली में, पर हाई कोर्ट ने कहा कि जो फैसला था शैली ओबराय का वो गलत था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत हुई। जो तीन तीन थे वो तीन तीन ही रहेंगे, और मुझे लगता है कि नए चुनाव के लिए खारिज कर दिया गया। तो ये आपने सुना हमारे साथ रविंदर नेगी को। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट भी हैं, जो योगी जी के हमशक्ल के रूप में जाने जाते हैं। सर, रात के 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पर इतना माहौल जो है, ना ही केवल बीजेपी कार्यकर्ता, आम जनता भी हम देख रहे हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटी हुई है। आज अंदर से बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या में हम चंद हजार लोग जो खुश नसीब हैं आज मोदी जी का स्वागत करने आ रहे हैं। आज हमारे पीएम, हमारे प्रधान सेवक इस देश के जापान से लेकर क्वाड तक देश का झंडा बुलंद करके आ रहे हैं। पपुआ न्यू गिनी में जब गए वो, वहाँ सारे रिकॉर्ड टूटे, वहाँ के प्रधानमंत्री जी आए, जहाँ उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वहाँ शाम सूर्यास्त के बाद किसी भी अतिथि का स्वागत नहीं करते, उनके प्रधानमंत्री जी गए हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने, और उन प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का चरण वंदन किया। बहुत देश हमारे दिल और ये हमारे बिल्कुल हर्षोल्लास से हम लोग भरे पड़े हैं। 56 इंच का सीना दुनिया पूछती थी, आज हम बताते हैं 56 इंच का सीना हमारा इसलिए है, हर भारतीय का है, वो मोदी जी का नहीं, हर भारतीय का है। आज आप ये जनसंख्या देख सकते हैं जो पूरी रात नहीं सोए मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आज हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं।